ये सेलेक्टेड सेल को मर्ज कराना है, क्या है शॉर्टकट की, अल्ट एच एम एम, देखो ये मर्ज हो गया, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है एरर वैल्यूज इन एक्सेल, एरर वैल्यूज। अब ये एरर वैल्यूज क्या है, ठीक है, थोड़ा सा इसको देखेंगे और थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे, एरर वैल्यूज क्या है, कैसे काम करती हैं और कैसे ये एरर वैल्यूज आती हैं, कैसे हमको पता चलेगा, इन सब के बारे में देख लेंगे। देखिए पहली जो एरर वैल्यू है वो ऐसे हैश टैग डिव, हैश करके डिव लिखा रहता है और यहाँ पर अपॉन इस तरह से करके और जीरो से इसे डिवाइड किया गया रहता है, इस तरह की एक एरर आएगी आपको, ठीक है। ये एरर देख लीजिए, ये एरर थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ और क्लियरली दिखेगा। तो ये एरर कब आती है, जब आप किसी फॉर्मूले के माध्यम से जैसे इज इक्वल टू लगा लिया और किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की एरर आती है। देखिए जीरो से डिवाइड किया, मैं आपको फॉर्मूला वापस से दिखा देता हूं, इज इक्वल टू लगाया और इसको जीरो से डिवाइड किया है तो इस तरह की एरर आती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिव एरर कब आता है, तो जब किसी फॉर्मूले में हम जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो ये एरर आएगा, डिव एरर, ठीक है। दूसरा जो एरर का टाइप है वो है हैश नेम, हैश नेम इस तरह का एक एरर आता है, ठीक है। अब इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये एरर कब आता है, कह रहा है कि द फॉर्मूला यूजेस अ नेम दैट एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज। जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसे एक्सेल समझ नहीं पाता है या वो फॉर्मूला मिस स्पेल्ड हो जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे सम का फॉर्मूला है, तो सम का फॉर्मूला एस यू एम ना लगा करके एस यू एन लगा दिया और यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट किया सेल को और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो हैश टैग नेम स्पेल मिस स्पेल्ड हो गया, यानी हमने ये तो देखा ही नहीं कि यहाँ पर स्पेलिंग क्या लिखा है, सम होता है ना, तो हमने सन लिख दिया तो इस वजह से ये एरर आ गया। तो ये दोनों एरर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एरर तो आपको पता ही है, ये एरर कुछ इस तरीके का आता है, ये हैश लिखा हुआ एरर आता है, ये तो जब कॉलम छोटा पड़ जाता है किसी भी फॉर्मूले में तब आता है ये एरर, ठीक है। इस तरह का एरर तब आता है जब कॉलम छोटा पड़ जाता है, ठीक है। और एक एरर आता है वो होता है हैश टैग वैल्यू, तो यहाँ पे हैश वैल्यू करके एक एरर आता है, हैश वैल्यू, ठीक है, इस तरह से लिखा रहेगा हैश वैल्यू और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन बना रहेगा। तो ये हैश वैल्यू कब आएगा, कह रहा है द फॉर्मूला इंक्लूड्स एन आर्गुमेंट और ऑपरेंड ऑफ द रॉन्ग, द फॉर्मूला इंक्लूड्स एन आर्गुमेंट और ऑपरेंड ऑफ रॉन्ग टाइप, मतलब रॉन्ग टाइप का आर्गुमेंट आप सेट करते हैं तब इस तरह का एरर आता है, ठीक है। तो ये सब एरर वैल्यूज था जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, सारा एरर वैल्यू समझ में आया। इसी तरह का एक और एरर होता है जिसे हैश रेफ कहते हैं, इस तरह का आता है आर ई एफ, ठीक है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लग जाता है। अब ये कब आता है, ये तब आता है जबकि द फॉर्मूला रेफर्स टू अ सेल इज नॉट वैलिड, दिस कैन हैपन इफ द सेल हैज बीन डिलीटेड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी सेल को डिलीट कर दें, जैसे मान लीजिए ये है यहाँ पर, इसको हम डिलीट कर देते हैं, जैसे डिलीट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है और यहीं पर हम डिलीट कर दें तो इस तरह का एरर आएगा हैश रेफ करके, ठीक है। और एक और एरर आता है जो है एन ए एरर, एन ए, तो फॉर्मूले में देखिए जब फॉर्मूले में इसे वैल्यू नहीं मिलती है तो ये नल आता है, ठीक है, नल एरर आता है, एन यू डबल एल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जब फॉर्मूले में कोई चीज नहीं मिलती है तो नल एरर आएगा, ठीक है। तो ये सारी ही एरर वैल्यूज हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है।